नमस्कार, मैं हूं शशांक, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इसलिए रखी गई है क्योंकि आदरणीय मीडिया बंधुओं के द्वारा हम आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के पास जो अपने मांगे हैं वो पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे धरने स्थल पर 16 दिसंबर 2019 को आए भी थे और आपने बोला भी था तत्कालीन सरकार के लिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के लिए, कि कमलनाथ जी इनकी मांगे जाया जाए, इनका निमित्तीकरण किया जाए और जो फॉलन आउट है उनको अंदर लिया जाए और विधानसभा में हम आपका स्वागत करेंगे। और इसके लिए आप लोगों ने विधानसभा भी स्थगित कराई थी और आपने ट्वीट भी किए हैं तमाम, लेकिन आदरणीय आज तक एक साल से ज़्यादा हो गया, 15 माह हो चुके हमारे फॉलन आउट को हुए, नौकरी से बाहर हुए, अभी तक उनको बाहर नहीं ले लिया गया है। 6.5 से अभी भी बाहर हैं और 450 पदों के लिए कि आज हो रहे हैं कल हो रहे हैं, ये सुनते सुनते 15 माह बीत चुके हैं, अभी तक वो बाहर है और हमारा नियमितीकरण तो आस पास ही नहीं है। 1 अप्रैल आने वाली है, 1 अप्रैल को ट्रांसफ़र चालू हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम फॉलन आउट हो जाएंगे, कम से कम 8 से 1000 लोग फिर फॉलन आउट हो जाएंगे, फिर हम फॉलन आउट के लिए लड़ें। हमारी ज़िंदगी इसी में ही निकली जा रही, जो आपने नियमितीकरण का बोला था, हम UGC की योग्यताएँ पूरी रखते हैं, 25 साल का अनुभव है, तो फिर हम कहाँ से मतलब नियमितीकरण हमारा क्यों नहीं हो पा रहा। यही चीज़ आपने ट्वीट में भी लिखा था तत्कालीन सरकार के लिए कि ये अतिथि उद्यान ऐसे ही उठाकर नहीं बना दिए जाते हैं, इनकी जो मांगे हैं इनको पूरी पारदर्शिता के तहत इनको अतिथि उद्यान बनाया जाता है और अनुभव भी इनके पास 25 साल का है और 50 से 55 साल की उम्र हो चुकी है। अब ये उस उम्र में कहाँ जाएंगे? और जो आदरणीय पवैया जी पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो लेटर डाला, लेटर उस समय जो निकला था कि अतिथि उद्यानों को हटाते ना हुए उनको और किसी जगह पे एडजस्ट किया जाए, जब तक ना हो तो वो वाला लेटर डाल दिया जाए, लेकिन अतिथि उद्यानों की जो 1 अप्रैल को जो मतलब फॉलन आउट करने के वो है, क्योंकि ट्रांसफर लिफ्ट चालू हो जाएगी और अतिथि उद्यानों को हटाया नहीं जाए और जल्द से जल्द उनका जो नियमितीकरण का जो आपने बोला था उसे पूर्ण किया जाए, नहीं तो फिर हम एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए बेबस हो जाएंगे। क्योंकि आदरणीय सिंधिया जी ने भी बोला था कि मैं इनकी ढाल भी बनूंगा, तलवार भी बनूंगा और सड़क पर उतरूँगा अगर कमलनाथ जी इनकी मांगे नहीं मानी गई, इनका नियमितीकरण नहीं किया गया। लेकिन आदरणीय सिंधिया जी आप तो राजपा सांसद पहुंच गए, लेकिन अतिथि उद्यान तो अभी भी सड़कों पर ही हैं। हमने ग्वालियर में भी आपको 10-50 अभी भी वो दिए थे ज्ञापन आके, लेकिन आप हमारी तरफ अतिथि उद्यानों की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हो, ना ही एक भी सभा में आप सभी ने बोला है। आदरणीय ना मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, ना सिंधिया जी बोलते हैं, ना ही नरोत्तम मिश्रा जी बोलते हैं, ना ही गोपाल भार्गव जी बोलते हैं, जो कितने के ना ही सीता शर्मा जी बोलते हैं। हम सभी के पास गए मिलने के लिए, सभी को हमने ज्ञापन दिया जाके, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और हमारा जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया गया तो 1 अप्रैल के पहले पहले फिर हमें रोड पर उतरने के लिए बेबस होना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हम अतिथि उद्यान जो आपके मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और हर तरीके से जो UGC की योग्यताएं पूरी रखते हैं और सब जो 25 साल का अनुभव रखते हैं और जो हमारे 6.5 से अतिथि उद्यान वर्तमान में जो बाहर हैं उनको जल्द से जल्द अंदर लेते हुए हमारा जो नियमितीकरण वो किया जाए, नहीं तो हमें दोबारा से फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और हमें इस बार हमें आत्महत्या के आत्मदाह के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। या तो हम माननीय राष्ट्रपति जी से अनुमति चाहते हो, प्रधानमंत्री जी से, कि हमें इच्छा मृत्यु का हमें परमिशन दी जाए, यही आपसे यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। अभी सर अभी तक काम में जो है किस तरह के आपको आश्वासन दिए अपनी बात कहने के? यही बोला था कि हम आपका काम करेंगे, बोले वो तो हमसे ही गलती होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने हमारे धरने स्थल पर बोला था अगर हम पहले ही कर जाते तो फिर ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन आदरणीय अब तो आप हो, आपकी सरकार है, आप भी उसके मुखिया हो, अब तो आप कर सकते हो। क्योंकि हम तो हम बहुत बार गए आपसे मिलने के लिए, काफ़ी निवेदन किया जाके अधिकारियों को, हमने आवक जावक में भी दिया जाके लेटर कि हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ 10 मिनट का समय मिल जाए, हम आप, क्योंकि आप हमारी व्यथा जानते हो, आपने रात को आकर देखा था कि कैसी ठंड में सभी महिलाएं बच्चों को लेकर लेटी हुई थी, लेकिन फिर भी आप मतलब अभी तक हम 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा होगी आपको सरकार को बने हुए, फिर भी अब आप अतिथि उद्यानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। यही सर, अभी तक कितने विधायक और मंत्रियों से आपकी मुलाकात हुई इस विषय को लेकर? वर्तमान विधायक कौन कौन? आदरणीय OPF भदौरिया जी,
और मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया जी और मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी और सिलावट जी और गोविंद राजपूत जी, भूपेन ठाकुर जी और विधायक शैलेंद्र जैन जी, हर और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को हम ज्ञापन दे ही चुके हैं कि जहाँ भी मिलते हैं उनको बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, आदरणीय सिंधिया जी को बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं से कोई निराकरण कहीं से कुछ नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अपना परिचय अंत में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। परिचय मैं डॉक्टर सुरजीत भदौरिया, अध्यक्ष अतिथि विद्वान निमित्तीकरण संघर्ष मोर्चा। मैं मोनिका मनमोहन शाह भट्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी। आज हमने भोपाल में केंद्रीय कार्यालय में हमारी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के प्रदेश स्तर की मीटिंग रखी, जहाँ पे हमने समस्त प्रदेश में सभी नियुक्तियाँ निकाली है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, जिसमें सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रगति करे, कार्य करे, सभी जिलों में संगठित रहे, संगठन बनाए अपने अपने। जो आपके द्वारा नियुक्ति दी गई है जी, क्या हिदायत दी जाएगा, मतलब प्रचार करने का इस संस्थान के माध्यम से किस तरह से रहेगा, आपका मीडिया को प्रचार करने का भी है, साथ में संगठन बनाने का भी है। जिले में सभी जो प्रदेश अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक जिले में अपने स्तर पे नियुक्ति करेंगे, जिले में जिलों का कार्य अपने ब्लॉक में नियुक्ति करेंगे। बस आज की जो बैठक आयोजित की गई है, इस बैठक में कितने पदाधिकारी सदस्य होकर संख्या एक अनुमान है? आज की मीटिंग में तकरीबन 50 से 60 पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें महाराष्ट्र से उपस्थित है, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, यूपी से हैं, सभी लोग हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, समस्त लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। जो पद हमें जिम्मेदारी दी गई है उसका पद का निर्वहन हम करेंगे, जल जगह जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ेंगे और गोंडवाना राज्य स्थापना की लड़ाई लड़ेंगे। ये तीनों मेरे लक्ष्य हैं और मैं इस कार्य को आगे करता रहूँगा, मरते दम तक करते रहेंगे। संगठन में एक मजबूती आए, जल्दी से जल्दी हमने जो कार्यकारिणी का विस्तार चालू कर दिया है, आज भी कुछ प्रदेश के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है और जिले स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, सब जगह हम नियुक्तियां करेंगे जल्दी से विस्तार करके, और अन्याय अत्याचार, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, गोंडवाना राज्य की स्थापना की लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाँ जी, हाँ मीटिंग का संदर्भ क्या है, कृपया मीडिया को बताएं। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी लगभग 20 साल से यहाँ आयोजित कार्यक्रम हो रहा है पार्टी का, और हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के वही निवेदन करते हैं कि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का जल्द से जल्द हम सदस्य बढ़ा के और नियुक्ति करके और वोट बैंक बढ़ा के हम कम से कम इस भोपाल में मुख्यमंत्री के दावेदार तो बने। मैं कृष्ण कुमार बर्डे, आज प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ बैठक हुई, प्रदेश कार्यकारिणी में मुझे मध्य प्रदेश यूनिट का सचिव बनाया गया है। जी, संगठन के मजबूती के लिए हम पूरे प्रदेश में हमारे सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, साथ ही प्रदेश में जो वर्तमान में भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो तीन कानून जो लागू किए गए उसके विरोध में हम आंदोलन करेंगे, बेरोजगारों के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जो अपने शिक्षा का निजीकरण हुआ है उसके खिलाफ में भी हम आंदोलन करेंगे, ये सारे आंदोलन करके हम लोगों को जागरूक करके वर्तमान सरकार की जो गलत नीतियां है उसके खिलाफ में हम उनको संदेश